हेलो, क्या हाल चाल है? होपफुली सब बढ़िया होगा। अब देखो, आप लोग तो यार अभी बढ़िया होंगे, लेकिन मेरी हालत भाई कुछ अलग ही लेवल पे ख़राब है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो तो यार आपको कल वाली वीडियो में पता चल ही गया होगा कि अपने साथ क्या कांड हुआ था। लेकिन कल वाली वीडियो में मैं जितना माइनस आपको बताया था वो सिर्फ परसों का माइनस था। कल तो यार यहाँ पर मेरे को उससे भी डबल माइनस पड़ा, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट के 2 दिन में ना यहाँ पे मेरे को 200 के ऊपर का माइनस पड़ चुका है। और भाई इतना ख़राब ना, पहले तो यार आता है ख़राब दिन, जो कि यार हर एक रैंक पुशर की हर एक रैंक पुशर ये एक चीज़ फेस करता है कि 3-4 दिन अच्छे जाते हैं, उसके बाद एक आध दिन तो ऐसा बुरा आता ही आता है जिसमें कि यार उसका भाई अच्छा खासा कटता है और भाई एकदम ही खतरनाक वाला उसको माइनस लगता है। लेकिन मेरे किस्से में भाई जो सिचुएशन है ना वो वर्स्ट जा चुकी है, क्योंकि इतना तो भाई इतना बुरा तो यार शायद से किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा जितना बुरा यार लास्ट के 2 दिन में मेरे साथ हुआ है। और भाई ऑलमोस्ट 200 का माइनस पड़ा है मेरे को, तो 200 का माइनस मजाक नहीं होता, क्योंकि 200 प्लस करने में 1 वीक से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। और भाई अब अगर यहाँ पे 200 का माइनस पड़ा है तो भाई काफ़ी बंदे आके बोलेंगे कि भाई नूब है, तेरे से नहीं हो रहा है भाई, #1 तो बता दे ये वो। तो हाँ, अभी मेरे से नहीं हो रहा है और अब यहाँ पे मैं कुछ बहाने आपको लोग को मारूंगा, जिससे कि यार यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे भाई इमोशनल हो जाएंगे और मेरे को थोड़ा बहुत इमोशनल सपोर्ट भी मिल जाएगा। क्यों मैं ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? अब यहाँ पे मजाक को साइड में रखे ना, तो भाई मैं अभी सीरियसली बता दूँ कि लास्ट के 2 दिन में अपने साथ हुआ क्या था। तो देखो, सबसे पहले तो परसों का दिन जो था ना वो अपने लिए इतना सही गया था ना कि ऑलमोस्ट अपने 6 से 7 चिकन निकाल लेते, और हर गेम में यार अपने को 15 का प्लस तो ऑलमोस्ट मिल ही चुका था। फिर आता है यार कल एंड परसों का दिन। तो देखो, परसों से ना यहाँ पे ऐसे ऐसे सीन होना चालू हुए ना मेरे साथ कि भाई मैं जोन के बाहर होल्ड कर रहा हूँ, 3रा 4था जोन के बाहर होल्ड कर रहा हूँ, और भाई वहाँ पे हैकर आके भाई पिन करके बैठा है मेरे को। जैसे मैं अपनी बग्गी गाड़ी वाड़ी जो भी लेके निकलता हूँ तुरंत यार यहाँ पे पील देता है। और अगर बाई चांस स्टार्टिंग में मैंने कहीं पर भी बॉट वॉट मार दिया और आसपास में यार किसी बंदे ने देख लिया मेरा किल फीड, तो वह बंदा सीधा आता है सामने वाले रिच पे, घर पे, कहाँ जहीं पे जहाँ पे भी उसको कैम्प करने का मौका मिलता है वहाँ पे यार यहाँ पे बंदे कैम्प करके बैठ जाते हैं। और भाई जैसे भाई तुम भाई बाहर निकलोगे ओपन में भाई दौड़ते रहोगे तो भाई सरप्राइज मदर फादर हो जाता है वहाँ पे। सो अब इस चीज़ का तो भाई मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है जो कि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो फिर वापस से भाई जो हेटर्स रहते हैं ना वो वापस से आना चालू हो जाएंगे। तो भाई मैं अपना प्लान तो बताने वाला हूँ, लेकिन अब भाई ये प्लान के हिसाब से तो बहुत जल्दी वापस से अपन #1 के क्लोज आ जाएंगे, या फिर #1 भी हो सकता है, अब ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन यार बात कर लेते आज के वाली गेम की। तो देखो, अभी के लिए ना इधर 4th जोन बन चुका था, 28 बंदे अलाए थे, अपने टोटल 5 किल्स हो चुके थे। एंड अब यहाँ पे मेरे को जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन चाहिए थी होल्ड करने के लिए, लेकिन जोन जो था ना वो थोड़ा सा ओपन एरिया में बना हुआ था, जोन के सेंटर में पूरा का पूरा ओपन इलाका था और जोन के अंदर गिने चुने कंपाउंड थे, जो कि हर एक कंपाउंड में कोई ना कोई बंदा तो यहाँ पे बैठा ही हुआ था। तो अब यहाँ पे मेरे को लकीली ये वाला वेयर हाउस खाली मिल जाता है, सब मिला लिया था अपन यहीं पर करेंगे जब तक यार जोन अपने वे शिफ्ट नहीं होता। और भाई पूरा एक जोन इधर होल्ड करने के बाद फाइनली इसके बाद वाला जोन जो था ना वो यहाँ से शिफ्ट हो चुका था। अब यहाँ पे जोन देखोगे ना तो 90% जोन जो था वो ओपन में बना हुआ था और सिर्फ 10% जोन जो था ना वो कंपाउंड्स की तरफ शिफ्ट हुआ था। तो मेरे को लगा कि यार यहाँ पे जोन जो है ना वो कंपाउंड्स की तरफ तो क्या ही जाएगा, इसी वजह से यार यहाँ पे मैं सीधा कंपाउंड्स के ऊपर स्लैम नहीं मारता, बिकॉज एक बार कंपाउंड पे घुस गए ना उसके बाद अगर जोन वहाँ से शिफ्ट होता है तो यार कंपाउंड से ओपन में आने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन जब तुम ओपन से कंपाउंड की तरफ जाते हो ना तो वहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत आता है नहीं। लेकिन अभी इसके बाद जोन जो था ना वो हल्का सा वापस से कंपाउंड्स की तरफ शिफ्ट हो चुका था, तो अब यार यहाँ पे सीधा जोन के अंदर तो जा नहीं सकते थे, मैं आ जाता हूँ जोन के एज पे ये वाली जगह पे, और जैसे यहाँ पे आता हूँ राइट साइड में यहाँ पे भसड़ मचना चालू होती है, जिसमें से यार एक बंदा दूसरे बंदे को भर देता है। सो अभी के लिए तो यार जो बचा हुआ बंदा था उसको अपन भर देते हैं। एंड अगला जोन भी यार यहाँ पे आगे साइड शिफ्ट हो चुका था, लेकिन लेफ्ट साइड से मैं थोड़ा सा ओपन था तो वो साइड यार पहले एक स्मोक कर देता हूँ, ताकि वो साइड पे से जो बंदा होल्ड कर रहा है वो इधर मेरे को स्पॉट ना कर पाए। बाकी इधर यार अपने को जोन के अंदर भी जाना था, तो अब यहाँ पे पूरा का पूरा अपन जोन होल्ड करेंगे, एंड जैसे यहाँ पे जोन स्टार्ट होगा उसके बाद अपन अपनी रोटेशन स्टार्ट करेंगे।
और यार जैसे तैसे करके यहाँ पे ओपन जोन के एज पे भी आ जाते। अब यहाँ पे जोन क्लोज इन हो रहा था, सामने की साइड में कोई यूएसडी की आती है। और यार अगर यहाँ पे बग्गी बीच में ना आती ना तो यार अब तक ये वाले बंदे को अपन किल कर चुके होते। और मेरे को थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा दुख हुआ कि यार बंदे को नहीं मिल पाया, यहाँ पे बंदा 1 HP से बच गया था। लेकिन अब इस चीज का मेरे को क्या बेनिफिट मिलता है वो देखो। यहाँ पे मैं बग्गी लेके यार जोन की तरफ निकल रहा था, एंड अगर रास्ते में अगर पेड़ के पास देखोगे तो एक बंदा मैंने आपको जूम इन करके दिखाया था, जो कि यार वो टाइम पे मेरे को नहीं दिखा था जिस टाइम पे मैं गेम खेल रहा था। अब यहाँ पे मैं पूरी तरीके से यार यहाँ पे क्या बोलते कि एकदम अनजान था कि मेरे पीछे की साइड एक बंदा लेटा हुआ है। लेकिन भाई थोड़ी देर बाद ना वही M24 वाला बंदा यहाँ पे ना मेरे पीछे साइड एक बंदे को पील रहा था। और जैसे इधर मैं पीछे साइड जाके देखता हूँ ना तो भाई बिल्कुल लिटरली यार बंदा जो था ना वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका था। अगर यार यहाँ पे गलती से भी M24 वाले बंदे ने थोड़ा सा भी लेट यहाँ पे कर दिया होता ना तो यार अब तक यहाँ पे अपनी PT बन चुकी होती। लेकिन अब यहाँ पे यार M24 वाले बंदे ने अपना रास्ता क्लियर कर दिया था। तो अब यहाँ पे अपने को देखना था कि यार जोन के अंदर अपन कैसे जाएंगे। अब जोन जो था वो जस्ट अपने सामने की साइड ही था, लेकिन M24 वाला बंदा अभी भी इधर किसी को मार रहा था। तो मैं तुरंत ही इधर लेफ्ट साइड में देखता हूँ, एंड वहाँ पे एक और बंदा रहता है जो कि इधर जोन के अंदर आने का ट्राई कर रहा था। सो यार आराम से ये वाले बंदे को भी किल कर देते, बाकी इधर मेरे को छोड़ के 3 और बंदे बचे थे। एक बंदा इधर मेरे लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड में था जो कि यार इधर अपना डफमैन था, एंड एक बंदा इधर उसके आगे वाले कंपाउंड में था। लेकिन वो ये टाइम पे मेरे को नहीं पता था, मेरे को लाइक यार सामने वाले कंपाउंड में कोई बंदा होगा, इसी वजह से मैं एक दो ग्रेनेड सामने की साइड फेंक देता हूँ ताकि यार अगर वहाँ पे कोई भी बंदा होल्ड कर रहा हो तो उसकी पोजीशन मेरे को चल जाए। लेकिन अभी भी यार वहां पे कोई भी मूवमेंट दिखती है नहीं, तो मैं धीरे धीरे आगे साइड क्लोजिंग करने का ट्राई करता हूं। और भाई मेरे राइट साइड वाले जो कंपाउंड पे बंदा होल्ड कर रहा था ना वो भी आगे साइड बक चुका था। तो अब मेरा ये जो एरिया था ना वो क्लियर हो चुका था, जल्दी सर ये वाले कंपाउंड में आ जाता हूँ, एंड जोन भी अभी भी अपने पे था। सो जल्दी सर ये वाले बंदों की क्रेट में से जितनी भी हीलिंग्स मिलते ना वो सारी सारी उठा लेता हूं, बिकॉज मेरे को पता था कि अब यहाँ पर सिर्फ हील बैटल ही होगा। लेकिन अभी भी इधर मेरे को थोड़ी बहुत खुजली हो रही थी, तो यार यहाँ पे ना मैं एक ग्रेनेड उठाता हूँ क्या बोलते मॉन्स्टर वाला, एंड थोड़ा आगे साइड जाके यार ये वाले बंदे के ऊपर फेंक देता हूँ। और अब ये वाले बंदे के साथ जो कांड होता है ना वो बस देखो। बहन डर गई, बहन डर गई। लिटिल लेयर ये मॉन्स्टर ने ये वाले बंदे को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया ना कि बंदा सीधा भाई इधर मेरे ऊपर पुश मारने आ जाते हैं। लेकिन यार फिर भी अपन ये वाले बंदे को आराम से किल कर देते, एंड अब यहाँ पे लास्ट में एक ही बंदा बचा था जो कि इधर डफमैन था, एंड अब यहाँ पे हील बैटल ही होने वाला था ये तो इधर मेरे को पता था। तो यार आसपास की PT में से अब ये बचे हुए जितनी भी हीलिंग्स है ना सारी सारी मैं उठाता हूँ। और अब यहाँ पे भाई लास्ट जोन भी स्टार्ट हो चुका था, तो अपन अपना हील बैटल स्टार्ट करते। एंड यार ये वाला हील बैटल भी कुछ ज्यादा लंबा चलता है नहीं, 2-3 फर्स्ट एड में अपना काम हो जाता है आराम से। यार ये वाला हील बैटल भी अपन निकाल लेते, बाकी यार ये वाले गेम में अपने को 17 का प्लस मिल जाता है। एंड ये एक लास्ट गेम ऐसा था जो कि यार यहाँ पे ना लास्ट के 2 दिन में मेरा अच्छा गया था। ये गेम के बाद ना यहाँ पे मेरा बुरा टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि ये गेम के बाद ही ऑलमोस्ट मेरे को 200 का माइनस पड़ा था। तो आप मेरा दर्द तो समझ ही सकते हो। बाकी बढ़ते यार आज के सेकंड गेम प्ले की तरफ, देखो अभी के लिए ना यहाँ पे जोन था वो इधर मेंशन की ये जो आगे साइड हील रहती है ना वो साइड बना हुआ था। अब यहाँ पे मेरे को जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन चाहिए थी, लेकिन जोन का सेंटर जो था वो पूरा का पूरा ओपन एरिया था। तो यार यहाँ पे सीधा जोन के सेंटर में अपन जा नहीं सकते थे, मैं थोड़ा जोन के एजेस पे आ जाता हूँ ये वाला कंपाउंड होल्ड करने। लेकिन इसके बाद वाला जोन जो था वो वापस से अपने शिफ्ट हो जाता है। एंड अभी अगर जोन देखोगे ना तो जोन जो था वो सिर्फ 10% इधर हिल के ऊपर था, बाकी पूरा का पूरा जोन जो था ना वो इधर ओपन में बना हुआ था। तो यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि यार हिल के ऊपर जो कंपाउंड है ना वहाँ पे इधर मेरे को पुश करने का ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वो एक अकेला नहीं, वो सिर्फ 2 जो कंपाउंड है ना वो इधर जोन के अंदर है, बाकी सारे सारे भाई कंपाउंड जो थे ना वो इधर जोन के बाहर हो चुके थे। एंड वहाँ पे यार हाइट का एडवांटेज भी था, तो यार वहाँ पे बैठे बैठे अपन अच्छे खासे किल्स भी निकाल सकते थे। हेलो, हेलो,
सर। हेलो। हाँ भाई बोलो। और यार जैसे यहाँ पे मैं पहुंचता हूँ, मेरे ऊपर साइड एक बंदा आ जाता है जो कि यार यहाँ पे मेरे को जानता था, एंड इसके आगे वाले कंपाउंड में एक बंदा होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पे मैं समझ गया था कि यार ये बंदा टीम अप कर रहा है। सो मैं बंदे के साथ बोलता हूँ, बंदे को बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई मीटअप वीटअप करने वाला हूँ नहीं, यहाँ पे मैं सीधा फाइट ही करूंगा। और यार इधर अगर आप देखोगे ना तो अगला जोन भी अपने पे बन जाता है, तो जोन की अपने कुछ दिक्कत थी नहीं। एंड ऊपर साइड जो बंदा बैठा हुआ था ना, जो अपने साथ बात कर रहा था, वो यार कुछ ज्यादा ऊपर में जाके बंदों को पेलने का ट्राई कर रहा था। एंड अभी के लिए इसके बाद वाला जोन जो था ना, वो भी हल्का सा आगे से शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि यार मेरे ऊपर साइड भी एक बंदा था एंड मेरे राइट साइड वाले कंपाउंड में भी एक बंदा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे सामने वाले बंदे ने इसको पील लिया, तो अब बस यहाँ पे 1v1 की फाइट बची थी सामने वाले बंदे के साथ। और भाई जैसे यहाँ पे ये वाले बंदे के बारे में ग्रेनेड करने जाता हूँ, मेरे को दिखता है कि यार बंदा इधर मेरे ऊपर ही ग्रेनेड कर रहा है। तो जल्दी से यार यहाँ पे मैं दरवाजा बंद करता हूँ, एंड इसी वजह से यहाँ पे मैं बच जाता हूँ, क्योंकि जो ग्रेनेड था ना वो दरवाजे के पीछे से फूटता है, लेकिन फिर भी मेरे को अच्छा खासा इधर डैमेज पड़ जाता है। और ये लास्ट में बंदा इधर मेरे ऊपर पुश करने आ जाते तो आराम से इसको भर देते, बाकी इधर बस 1v1 की फाइट बची थी। एंड यार इसी के साथ ही लास्ट वाले बंदे को भी अपन आराम से किल कर देते। अब बंदा जो था इधर मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ तो लग रहा था, लेकिन भाई अपने पास पूरा का पूरा एडवांटेज था, तो इसको आराम से पील देते। बाकी यार ये वाली गेम में अपने को 15 का प्लस मिल जाता है। सो बस सीधे स्क्रीन पे अगर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कहीं से भी देखो चैनल को सब्सक्राइब तो मार देना, एंड अगर वीडियो को ज्यादा पसंद है दोस्तों शेयर कर देना। बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस।